नमस्कार, आप सभी का स्वागत है टीएनपी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ निधि उपाध्याय। नजर डाल लेते हैं उत्तर प्रदेश की खबरों पर। लखनऊ में एक दिन से बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक हुई। इस दौरान सीएम योगी ने दावा किया कि लोकसभा चुनाव 2024 में पार्टी 75 सीटें जीतेगी। उन्होंने कहा कि इसके लिए अभी से जमीन तैयार करनी होगी। बीजेपी हर परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने के एजेंडे पर कार्य कर रही है। साथ ही सीएम ने पीएम नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री के रूप में 8 साल पूरे होने पर बधाई दी है। योगी आदित्यनाथ के दोबारा सीएम बनने के बाद से प्रदेश में लगातार तबादला एक्सप्रेस चल रही है और इसी कड़ी में सरकार ने 11 आईपीएस अफसरों के तबादले कर दिए हैं। गृह विभाग की तरफ से जारी की गई लिस्ट के अनुसार अनिल कुमार सिंह को डीआईजी पीएसी लखनऊ बनाया गया है, जबकि बुलंदशहर के एसएसपी संतोष कुमार सिंह को अपर पुलिस आयुक्त वाराणसी पुलिस कमिश्नरेट और श्लोक कुमार को एसएसपी बुलंदशहर की जिम्मेदारी सौंपी गई है। योगी सरकार ने कामकाजी महिलाओं को लेकर बड़ा फैसला लिया है। सरकार के आदेश में कहा गया है कि किसी भी महिला कर्मचारी को उसकी लिखित सहमति के बिना सुबह 6 बजे से पहले और शाम 7 बजे के बाद काम करने के लिए रोका नहीं जाएगा। यूं ही नहीं, तय शिफ्ट के दौरान काम करने पर मुफ्त परिवहन, भोजन और पर्याप्त परिवेशन भी प्रदान किया जाए। सरकार का यह आदेश सरकारी संस्थानों से लेकर प्राइवेट संस्थानों तक सभी पर समान रूप से लागू होगा। योगी सरकार ने सरकारी विभागों में भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए फैसला लिया है। सरकार प्रदेश में एंटी करप्शन ऑर्गेनाइजेशन का विस्तार करने जा रही है। प्रदेश के 8 मंडलों में इसकी यूनिट खोलने के लिए बजट भी तैयार कर दिया गया है। बता दें कि प्रदेश के 10 मंडलों में से इसकी यूनिट पहले ही है और यह यूनिट सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ मिलने वाले भ्रष्टाचार की शिकायतों पर कार्रवाई करती है। प्रदेश में विधानसभा का सत्र चल रहा है और सरकार ने वित्तीय वर्ष 2022 से 2023 के लिए बजट भी पेश कर दिया है। वहीं सदन में चर्चा के दौरान सीएम योगी ने लोहिया का जिक्र कर शिवपाल सिंह यादव की तारीफ की है। सीएम ने कहा कि जब समाजवाद की बात होती है तब डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की चर्चा होती है, जयप्रकाश जी की चर्चा होती है, संघर्षशील नेताओं की चर्चा होती है, लेकिन समाजवादी पार्टी में डॉक्टर लोहिया पर लेखनी में कभी कभी केवल शिवपाल जी को देखता हूँ, उनका आर्टिकल कभी कभी देखने को मिलता है। सुबह सपा अध्यक्ष ओपी राजभर ने बीजेपी की खुलकर तारीफ की है। उन्होंने कहा कि 37 साल बाद यूपी में बीजेपी की वापसी इसलिए हुई है क्योंकि पार्टी लगातार मेहनत करती है। उन्होंने यह भी कहा कि दूसरी पार्टियों के नेता चुनाव के बाद सो जाते हैं। ओपी राजभर ने कहा कि चाहे मोदी हो या योगी हो या पूरी पार्टी, ये 24 घंटा चुनावी मोड में रहती है। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि सत्तारूढ़ पार्टी के लोग समाजवाद समझ नहीं पा रहे हैं और अगली बार जब वह सदन में आएंगे तो उनके लिए एक किताब जरूर लाएंगे। साथ ही अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि यह सरकार आंकड़ों से खेल रही है। आंकड़ों से विकास नहीं होता है, जमीन पर चीजें होती हैं तब विकास होता है। कल अगर आपने ध्यान दिया हो तो नेता सदन समाजवादी पेंशन को समाजवादी पार्टी की पेंशन समझ रहे थे, तो अभी तो बीजेपी को जो हमारे संविधान में प्रेम्बल में लिखा हुआ है समाजवाद सेकुलर, वो क्या है अभी उसी को समझना है। क्योंकि सवाल केवल इस बात का नहीं है कि प्रदेश को बचाना है, इससे बड़ी लड़ाई है इस बार लोकतंत्र बचे, समाजवाद बचे और सेकुलरिज्म बचे। तो ये 3 बड़े सवाल हैं जिसका जवाब बीजेपी के पास नहीं है और लगातार बीजेपी इन तीनों पर अटैक कर रही है, एक एक करके इंस्टीट्यूशंस को बर्बाद कर रही है। पश्चिम बंगाल की राजनीति को लेकर उत्तर प्रदेश के सदन में चर्चा क्या हुई। ममता सरकार में मंत्री फिरहाद हकीम ने सीएम योगी को गब्बर सिंह बता दिया और इतना ही नहीं, ममता के मंत्री ने कहा कि योगी को प्रशासनिक कार्य ममता बनर्जी से सीखना चाहिए। बता दें कि विधानसभा में सीएम योगी ने बंगाल चुनाव के बाद हुई हिंसा का जिक्र किया था। उन्होंने कहा था कि यूपी चुनाव के दौरान प्रचार करने के लिए एक दीदी आई थी और उनके अपने राज्य में विधानसभा चुनाव के दौरान कितनी हिंसा हुई ये सभी ने देखा था। यूपी की आबादी वहां से दोगुनी है लेकिन फिर भी राज्य में हिंसा की एक भी घटना देखने को नहीं मिली। प्रदेश भर में सभी राजनीतिक दल रामपुर लोकसभा उपचुनाव की तैयारी में लगे हुए हैं और उपचुनाव में जीत की भरपूर कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बीएसपी प्रमुख मायावती ने फैसला कर लिया है कि इस बार बसपा लोकसभा उपचुनाव नहीं लड़ेगी। रामपुर के लोकसभा उपचुनाव में पार्टी कोई कैंडिडेट खड़ा नहीं करेगी और ना ही किसी दल का समर्थन करेगी।
सपा विधायक आजम खान की तबीयत खराब होने की वजह से उन्हें दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सांस लेने में दिक्कत होने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों की निगरानी में आजम खान का इलाज चल रहा है। बता दें कि कल रात से आजम खान की तबीयत खराब है और उनकी खराब सेहत को लेकर सपा विधायक शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि उनकी तबीयत लगातार खराब चल रही है, अब वो इलाज के लिए गए हैं, कामना है कि वह जल्दी स्वस्थ हो। वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिए टीएनपी न्यूज के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है टीएनपी न्यूज में। तो चलिए खबरों की ओर रुख कर लेते हैं। सहारनपुर के देवबंद में दो दिवसीय जमीयत उलमा हिंद का सम्मेलन चल रहा है। सम्मेलन के पहले दिन कई मुद्दों पर चर्चा हुई और इस दौरान जमीयत उलमा हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी ने इशारों इशारों में सरकार को मंदिर मस्जिद विवाद के बाद पैदा हुए हालातों के लिए जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि हालात मुश्किल हैं, लेकिन मायूसी की जरूरत नहीं है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि मुश्किलें झेलने के लिए ताकत चाहिए, हम कमजोर लोग हैं। अगर जमीयत ने फैसला किया है कि हम शांति को बढ़ाएंगे, अगर जमीयत का फैसला हुआ है कि हम जुर्म को सह लेंगे, हम अपने वतन पर आँच नहीं आने देंगे, तो हम ये करेंगे क्योंकि ये हमारी ताकत है, कमजोरी नहीं। अगर जमीयत उलमा का ये फैसला है कि हम जुल्म को बर्दाश्त कर लेंगे, अगर जमीयत उलमा का यह फैसला है कि हम दुखों को सह लेंगे लेकिन अपने मुल्क पर आंच नहीं आने देंगे, तो यह फैसला कमजोरी की वजह से नहीं है बल्कि जमीयत उलमा की ताकत की वजह से है। और यह ताकत हमें कुरान ने दी। बाबा बर्फानी अमरनाथ की यात्रा 30 जून से शुरू होने वाली है, लेकिन इस बार अमरनाथ यात्रियों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि इस साल अमरनाथ साइन बोर्ड की ओर से यात्रा के दौरान लगने वाले लंगर पर काफी सख्त नियम कर दिए गए हैं। साथ ही लंगर संगठन के सेवादारों को कई बदलाव करने के लिए कहा गया है। साइन बोर्ड के रवैये की वजह से लंगर संगठनों में काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है। वही लंगर कमेटियों गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री को पत्र के माध्यम से ध्यान देने की गुहार लगाई गई है। इस बार हम लोग के सामने वहाँ पे काफ़ी समस्याएं खड़ी होगी। पहले तो प्रशासन की समस्या खड़ी होती थी और विगत 2-3 सालों से श्राइन बोर्ड जो कि हमारी संस्था की एक हेड हैं सबलो संस्था, उनके अनुरोध पे वहाँ की सरकार ने श्राइन बोर्ड का गठन किया था वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के तर्ज पे। हम लोगों ने सोचा कि इस श्राइन बोर्ड के बनने पे हमारे रास्ते आसान होंगे, हम लोग को सुविधाएं और मुहैया कराई जाएगी, सुरक्षा और मुहैया कराई जाएगी। 2 सालों में धारा 370 समाप्त हुई है, कश्मीर का माहौल तो और हिंदुत्व होना चाहिए था, मगर उसके बावजूद श्राइन बोर्ड का रवैया हम लोग के विरोध में रहा है। 3-4 दिन पहले अभी वहाँ पे हम लोग की मीटिंग श्राइन बोर्ड से हुई, जो वहाँ की मीटिंग वहाँ के CEO श्राइन बोर्ड के नीतिशोर कुमार जी, OST अनूप सोनी जी ने हम लोग की मीटिंग ऑर्गेनाइज की और मीटिंग ली, 2-4 लोगों से बातें की और धमकी भरे लहजों में ये हम लोग को अवगत कराया कि आप लोगों को भंडारों में अगर रहना है, भंडारा चलाना है, तो हम लोगों के नियम और कानून को मानना पड़ेगा, फूड मेनू को मानना पड़ेगा, और आपके भंडारे में कोई भी गलत हरकत पाई गई तो आपको तुरंत भंडारा पैक करके वापस भेज दिया जाए। बरेली के बिचपुरी गांव में धन परिवर्तन की सूचना मिलने पर पुलिस ने छापेमारी की और इस दौरान पता चला कि ईसाई लोग बड़े पैमाने पर धन परिवर्तन का खेल खेल रहे थे और ईसाई धर्म से जुड़ने का लोगों पर दबाव बना रहे थे। इसमें भारी संख्या में लोग कार्यक्रम में मौजूद थे। इसके बाद हिंदू संगठनों ने पुलिस के पहुँचने पर भारी हंगामा किया। बहराइच जिले में बड़ा सड़क हादसा हो गया है, जिसको लेकर CM योगी ने ट्वीट करते हुए दिवंगत आत्माओं की शांति की कामना करते हुए शोक जाहिर किया। साथ ही जिला प्रशासन के अधिकारियों को घायलों के इलाज की समुचित व्यवस्था करने के आदेश दिए हैं। बता दें कि यहां टेम्पो ट्रैवलर में सवार यात्री कर्नाटक से अयोध्या दर्शन के लिए जा रहे थे। इस दौरान हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई, जबकि 9 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। कर्नाटक के बीदर डिस्ट्रिक्ट के कुछ
लोग थे जो कहीं जा रहे थे दर्शन के लिए अयोध्या, जैसा बताया गया है, तो वहाँ पर दुर्घटना हुई जिसमें 7 लोगों की मृत्यु हुई है। शेष लोगों का यहाँ पर अस्पताल में लाया गया है, उनका समुचित इलाज कराया जा रहा है और हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि जो घायल हैं उनको सेफली बचाया जा सके, बचाया जा सके और उनका समुचित इलाज हो सके और बाकी हम लोग स्पोर्ट्स के लिए देखकर भी बता पाएंगे कि क्या है। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखते रहिए TNP न्यूज़। नमस्कार।